मंदिर तो क्या अल्टीमेट जगह में है यार। ये निकला हुआ है पूरा पत्थर से। तो सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और इस सावन मास की सभी देशवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान शिव आपके जीवन में ऐसे ही सदा कृपा बनाए रखें। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज है आपका सोमवार और मैं हर सोमवार इस सावन में किसी न किसी मंदिर में आपको ज़रूर लेके जा रहा हूँ। तो मैं इस बार आपको लेके जा रहा हूँ अपने रानीखेत के एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो रानीखेत का, उसको बोलते हैं गुप्त काशी, जो हमारे भगवान महादेव को समर्पित है, भगवान शिव को। और आज हम जाएंगे गुप्त काशी की तरफ, जो मतलब यहाँ से रानीखेत से 18-19 किलोमीटर के अराउंड में है, मतलब उसी बीच में है। और मतलब रोड हेड से आपका कम से कम 2 मिनट का 2.5 मिनट का रास्ता है ऐसा सुना है मतलब मैंने। तो अब मैं आज जाके देखूंगा कि वो मंदिर कैसा है और आप लोगों को भी दिखाऊंगा उस मंदिर के बारे में। तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है उस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं अभी फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ अपने शहर के पास में जो माता हरड़ा देवी का मंदिर है, बहुत चर्चित मंदिर है। इस बारे में हम आपको दोबारा कभी फिर उसके बाद वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा मैं, लेकिन इस बार मैं आपको दिखाऊंगा गुप्त काशी। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम गुप्त काशी का मंदिर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं पहुंच चुका हूं आधे रास्ते तक मंदिर के, मेरे पीछे ठीक पीछे दिखाई दे रहा है और यहां से बिल्कुल सामने से जा रहा है एक रास्ता और यहां से मेरे ख्याल से आई थिंक 1.5 किलोमीटर के अराउंड है रास्ता। तो यहां से आगे को चलते हैं फिर सुबह। भैया पैदल तो नहीं जाएंगे, गाड़ी में ही चलते हैं क्यों? तो यहां से हम गाड़ी में ही जा रहे हैं मंदिर तक। तो चलिए आपको दिखाते हैं शिव जी का मंदिर। हम बड़े हैं करके मानव जी हो गए, मूवी भी बन गए वहाँ से, सब बन गए, सब बन गए काफ़ी टाइम। तो ये यहाँ पर खड़ी हो चुकी है स्कूटी, क्योंकि यहाँ से नीचे को है बिल्कुल एकदम पत्थर वाला रास्ता। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे पैदल पूरा मंदिर तक। वो नीचे दिखाई दे रहा है मंदिर और अब हमने यहाँ से जाना है यूँ टर्न लेके, सामने दिखाई दे रहा है शॉर्टकट रास्ता नीचे को। तो भैया हमारे पास में एक जगह है कुनीला खेत, वहाँ के एक भैया हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं जो अभी सडनली हमको मिल गए थे यहाँ पर को, तो हमने उनको साथ अपने साथ ज्वाइन कर लिया है। तो आपको उनसे ही मिलाएंगे। तो चलिए सामने दिखाई दे रहा है एकदम भोलेनाथ बाबा की नगरी। तो यह आ गया छोटा सा एक पुल, यहाँ बह रही है एक सूखी नदी और इसके बगल में है बहती हुई नदी। यहाँ जॉक नहीं लगनी चाहिए यार, बस चले तो जाऊंगा मैं नदी में। और आपको कराते हैं मंदिर के दर्शन। भोलेनाथ शिव शंकर महादेव। वाओ, दिस इज अल्टीमेट।
यार गाइस कितने लोग आए हैं इस मंदिर में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये है मेरे ख्याल से ये गोलजू की मूर्ति है शायद अंदर से इसके। ये है श्री राम, जय जय श्री राम। तो माय फ्रेंड्स मंदिर सचमुच में गुप्त है यार, क्योंकि अनसीन प्लेस है। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है यार ये जगह आज। तो ज़्यादा कुछ नॉलेज तो है नहीं मुझे इस मंदिर के बारे में, बट ये है कि पंडित जी भी मुझे नहीं मिले क्योंकि यहाँ कोई है नहीं शायद। मेरे ख्याल से पंडित जी सावन की पूजा में शायद किसी के घर में गए होंगे शायद। फिलहाल जो मंदिर का जो मतलब इंटीरियर है वो बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है। और दोनों साइड से मंदिर की नदी बहती है, बहुत बढ़िया नदी बह रही है, बहुत अच्छी आ रही है। और दिखाता हूँ आपको नीचे गुफा भी है सुनना, मतलब हम भैया बता रहे थे कि सोम भैया बता रहे थे कि यहाँ पर कोई गुफा भी है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो गुफा कैसी है। तो अब चलते हैं रिवर की साइड और दिखाते हैं आपको रिवर व्यू। वो पानी तो गर्म हो रहा है यार। हाँ पानी गर्म लग रहा है। तो भैया ये हैं हमारे आर्य भैया फिर से, और उनके साथ में है अर्जुन भाई। ये जो अर्जुन भैया हैं ये हैं आपका कुनेला खेत से, और ये अभी अभी मिले यार हमको रिसेंट में। जरा हाई बोल दो थोड़ा सा यार। ये देखो ये सामने दिखाई दे रही है गुफा, ये गुफा है सामने, दिखाता हूँ आपको। ये जो है सामने ये गुफा है, मंदिर तो क्या अल्टीमेट जगह में है यार। सबसे मजे की बात ये है ना कि जब भी हम निकल रहे हैं मौसम सही हो रहा है, मतलब घर से निकलते ही बारिश का मौसम हो जा रहा है, और जैसे ही हम अपनी जगह पे पहुंच जा रहे हैं हमारा मौसम सही हो जा रहा है यार। ये निकला हुआ है पूरा पत्थर से। ये है बजरंगबली की मूर्ति। अरे बहुत गर्म पानी हो रहा है यार, मजा आ गया पानी ना। तो यार मुझे तो कम है नॉलेज इस मंदिर के बारे में, यहाँ के कुछ लोकल्स मिले हैं उनसे पूछते हैं चलिए इस मंदिर के बारे में, लोकल के बारे में कि कैसा है ये मंदिर आखिर। सो गाइस अभी हमारे साथ में है हमारे कुछ यहाँ मंदिर के लोकल जो यहाँ मंदिर में रोज आने जाने वाले हैं। इनका नाम है शिव सिंह रौतेला जी और इनका नाम है जोधा सिंह बिष्ट जी। तो मैं सभी लोगों को ये बता रहा हूँ कि इस मंदिर की पवन धारणा इतनी अच्छी है कि यहाँ पर एक छोटा सा गुप्त मंदिर भी है जिसके अंदर अगर कभी चढ़ावा किया जाए तो वो डॉलर भी ठन 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 करके बजता रहता है। बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं जो मनोकामना पूर्ण करते हैं अपनी करते हैं। और इस मंदिर की बहुत है, इतना मेरे को पता है कि हमारे बुजुर्गों से ही ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में एक गंगा घाट भी है जिसमें गंगा घाट में स्नान करके हर
श्रद्धालु अपने मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस मंदिर में मैं पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है और मैं इस मंदिर से मेरे को बहुत अच्छी शांति मिल रही है। सावन मेला जो लगता है और शिवरात्रि का मेला लगता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी जो सावन मेला है वो हमारे यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारा गांव है जो बगवाली रौतेला है। जब हम वैशी करते हैं 22 दिन की तपस्या, तो यहाँ गंगा स्नान करने आते हैं सारे मुंडे, जो भगत लोग होते हैं वो सब यहाँ से नहा धो के हरि भजन करते हुए फिर अपनी चौखंडी में पहुँच जाते हैं। जब भी हमारे वहाँ ये गुरुद्वारे में वैशी होती है तो उसमें हम गंगा स्नान करने यही पर्व स्थान पर पहुँचते हैं और यहीं की हमको बड़ा आशीर्वाद मिलता है। हमारे धामी जी जो हैं बहुत इसमें हमारे उत्तराखंड के और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए कुछ हमारे ग्राम सभा के लिए कुछ, अरे हमारे यहाँ पर एक फैमिली का मंदिर है, वो बांझ की पेड़ी आई हो गई है 300 साल। मतलब धामी जी से कहता हूँ कि हमारे यहाँ भी कुछ मतलब मंदिर निर्माण के लिए कुछ हमको यहाँ पर आवश्यकता है साहब। तो जैसा कि देखा आपने, ये इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहे थे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, इनके गांव में एक मंदिर है श्री शैम देवता का और उस गांव में एक पेड़ है 300 साल पुराना। तो उस गांव में जो है बांज का बहुत बड़ा जंगल है। तो मेरा श्री मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी से ये अनुरोध है कि आप इनके बारे में इनकी विनती सुने और उस मंदिर या उस जंगल की देखभाली के लिए आप ऐसी कुछ व्यवस्था कर दें कि जिससे उनके गांव के पेड़ बच सकें। और ये गांव वाले यार बहुत अपने गांव के पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको इतना मालूम है। और तो ये चाहते हैं कि मतलब हमारे गांव के पेड़ हमेशा के लिए बचे रहें और आगे को बढ़ जाएं। तो कृपया धामी जी से मेरा अनुरोध है कि आप इसको मतलब जितना हो सकता है आप इसमें प्रयास करने का थोड़ा सा कष्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और हम चलते हैं अपने वापस घर की तरफ। तब तक के लिए होती है हमारी वही पुरानी सलाम नमस्ते और राम राम। और यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय।